आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंशु वर्मा, आप सभी का हमारे कॉम्पिटिशन कम्युनिटी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पेपर 4 पार्ट 2 गणित तथा तार्किक योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर का व्यवहार कैसा होता है, किस तरीके से हम बहुत बेहतरीन अंक इसमें अर्जित कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 13 मार्च को डिस्कशन कम्युनिटी में कोई कुछ प्रश्न रखे गए थे, उसके बहुत बेहतरीन उत्तर मैंने देखा है। उसके साथ साथ कुछ उत्तरों में जो है प्रोग्रेस की ज़रूरत है। एक एक करके आज का जो टॉपिक है उसी 13 मार्च के उस प्रश्नों का टॉपिक जो प्रतिशत लाभ हानि और ब्याज का टॉपिक था उस पे ही रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझा पाए कि किस तरीके से लेखन विधि उत्तर लेखन विधि रखनी है ताकि आपको बहुत अच्छे अंक मिले प्राप्त हों। चलिए एक एक करके सब हम लोग इस पेपर की चर्चा करेंगे, इसमें आने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे और कितने अंकों के प्रश्न आएंगे, उसमें शब्दों की सीमा क्या होगी। देखिए सबसे पहले देखिए आप 2 मार्क्स के देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारे सिलेबस में से 6 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और देखिए शब्दों की कुछ सीमा है। इसमें क्या होता है कि जो प्रीलिम्स का हम पेपर दे रहे होते थे तो हम कोशिश करते थे कि किस तरीके से जल्द उत्तर पाए, लेकिन यहाँ पे हमें ये मुख्य परीक्षा है तो इस प्रकार से हमारा जो प्रस्तुतिकरण होगा वो बहुत बेहतरीन रखना है। देखिए जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें 30 वर्ड्स जो है वर्ड लिमिट होगी, और 30 वर्ड्स में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे देखिए ये गणित का परीक्षा है, यहाँ पे तो हमें अंकों की उपयोगिता होगी और 30 वर्ड लिमिट है। अगर तो आप ये बात मान के चलिए कि जो 10 वर्ड्स होते हैं उसके लिए एक लाइन दी गई होती है, अगर 30 वर्ड्स है तो उसके लिए ऐसी 3 लाइन दी गई होगी और आपको इस 3 लाइन में सही और बेहतरीन उत्तर लिख के दिखाना है। इसी प्रकार से वो 60 वर्ड लिमिट है जब 4 मार्क्स में तो आपको 6 लाइन दी गई होगी। इसी प्रकार से 8 मार्क्स का जो देखेंगे आप 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन है। हमने बहुत प्रयास किया है, बहुत सही प्रश्नों को ढूंढा है जिससे जो कि आपको एक सही तरीके से रिविजन के काम आए। हम इसके बाद देखेंगे कि जैसे आप समझ पाए होंगे कि ये 60 शब्दों की सीमा है तो यहाँ पे 6 लाइन होगी और यहाँ पे 10, यहाँ पे कुछ 12 लाइन्स होंगी। एक एक करके अब हम जो डिस्कशन कम्युनिटी में प्रश्न डाले थे उस पर आएंगे, उसके एक सही हल पे आएंगे कि किस तरीके से हमें प्रस्तुतिकरण करना है जो कि बहुत एक अच्छा हमें रिजल्ट दे पाए। सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि गणित का अगर हम पेपर देखेंगे तो किस प्रकार से इनिशियलाइजेशन रखेंगे ताकि जो है हमारा उत्तर बेहतरीन हो। एक एक करके हम देखेंगे इन बातों को। इस परीक्षा में सबसे ज़रूरी बात क्या है इस बात पे गौर कीजिएगा। आप ये मान के चलिए जब आपके सामने प्रश्न होंगे तो आपको 3 चीज़ों पर गौर करना है। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि हमारा विजुअलाइजेशन कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है उस क्वेश्चन के प्रति। और विजुअलाइजेशन में आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रश्न देख के ही सबसे पहले इनिशियलाइज करने का तरीका हमें ध्यान में आना चाहिए। उसके बाद एक अच्छे विजुअलाइजेशन के बाद क्या होता है कि हमें ये देखना है कि हमारा प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, तो हमारे लिए राइट रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो राइट रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम देखेंगे कि आंसर शीट पे जो हमारा वर्क है वो कितना अट्रैक्टिव है ना, अट्रैक्शन भी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा पॉइंट ये होगा कि हम ये देखेंगे कि अट्रैक्टिव कितना है। इन 3 पॉइंट्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और इन 3 पॉइंट्स में ही आपके जो उत्तर होंगे वो बहुत ही बेहतरीन उत्तर आपको मिलेंगे और अंक आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। देखिए ये विजुअलाइजेशन, राइट रिप्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव होने के लिए क्या ज़रूरी होता है इस बात पे गौर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि हमारा इनिशियलाइजेशन कैसा है, हम प्रारंभ कैसे कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन जब अच्छा होगा तो आप समझ लीजिए कि आप उत्तर तक, सही उत्तर तक बिल्कुल पहुंचेंगे और उसके बाद आपका जो लेखन क्षमता होगा और लेखन विधि होगा बहुत बेहतरीन होगा। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे ताकि हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा हो वो ये है कि हमारा जो है फार्मूला का यूज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। यूज़ ऑफ फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा यूज़ फार्मूला का इतना भी ज़्यादा ना हो कि जो शब्द सीमा है, जो लाइन्स हमें दिए गए हैं उससे भी जाके आगे बढ़ जाए, तो जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे हम इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमारा जो यूज़ ऑफ आंसर शीट कितना बेहतरीन है,
किस प्रकार से हम आंसर को जितने दिए गए लाइन्स हैं उसमें कवर कर पा रहे हैं। इन बातों पे अगर हम गौर करेंगे और प्रयास करेंगे कि बेहतरीन उत्तर दें। देखिए, इनिशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ आंसर शीट, हम किस तरीके से ऐसे उत्तर लिखें कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, बहुत ज़्यादा आकर्षक लगे। इसके बाद एक बात और भी ज़रूरी हो जाती है कहीं ना कहीं कि हमको ये बात देखना है कि हमें इक्वेशंस का यूज़ करना बहुत अच्छा आना चाहिए, हमें समीकरणों का उपयोग बहुत अच्छा आना चाहिए, तो यूज़ ऑफ इक्वेशंस भी बहुत ज़रूरी हो जाता है गणित तथा तार्किक योग्यता में। तो चौथा जो इंटरनल पॉइंट हो जाता है वो ये है कि हमें यूज ऑफ इक्वेशंस जो है बहुत परफेक्ट रखने हैं। अगर हम हिंदी में इन बातों को कहें तो विजुअलाइजेशन मतलब दृष्टिकोण होता है, एक अच्छा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है, प्रश्न को देखते ही हमें उत्तर तक कहीं ना कहीं पहुंच जाना है। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो भी बेहतरीन होना चाहिए। वो बेहतरीन तब होगा जब हमें इनिशियलाइजेशन पता हो, फॉर्मूले का इस्तेमाल पता हो, आंसर शीट को किस तरीके से बेहतरीन दिखाना वो पता हो, और इक्वेशंस का कहीं ना कहीं हम अच्छा उपयोग करें, तब हमें जो है राइट सही प्रस्तुतिकरण भी मिलेगा और उसके बाद फाइनली हमें जो अपना आंसर है बहुत अट्रैक्टिव मिलेगा। हम जो डिस्कशन कम्युनिटी में प्रश्न डाले थे उन हर एक प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे हम बोर्ड पे देखते हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि हमारा उत्तर जो है बेहतरीन है, कहीं ना कहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो रहा है। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। डिस्कशन कम्युनिटी पे हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं और उसका जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, जो हल बनाया है, उसकी ओर गौर करेंगे। पहला प्रश्न क्या था? अंकित ने एक टेलीफोन 8000 में क्रय किया और 2% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। देखिए ये प्रश्न जो था ये 2 मार्क्स का प्रश्न था और 2 नंबर के प्रश्न में खास बात ये होगी कि आपके सामने सिर्फ 3 लाइन होगा और 3 लाइन का उपयोग आपको इस प्रकार से करना है कि आप बहुत बेहतरीन उत्तर दे पाए। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में ही कोशिश की है आपको सही रिप्रेजेंटेशन देने की, आप इस पर गौर कीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है आप जैसे गिवन दिया गया है तो आप हिंदी में जैसे लिख रहे हैं तो दिया है, ये चीज़ आपको लिखना है, ये चीज़ लिख के आपको बताना है कि कुछ चीज़ें जो दी गई थी वो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट की। और उसके बाद क्रय मूल्य जो दिया था वो आपने बताया, लाभ जो दिया था वो आपने बताया और विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता है और जो फॉर्मूला होता है ये मैंने आपके सामने रखा है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे में 100% धन लाभ% 100%, ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे चूँकि मैंने इसलिए लिखा है, ये जो साइन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप फॉर्मूले का यूज़ करें, इस साइन का यूज़ कीजिए ताकि सामने वाले को ये पता चले ये फॉर्मूला होता है, इसीलिए इसके बेसिस पे हमने जो है वहाँ पे वैल्यू पुट की। ये ब्लैक पेन से हिंदी के स्टूडेंट्स देखिएगा, है ना, हिंदी में मैंने जो आपके सामने रखा है उस बात पे देखिएगा और यहाँ पे ये चीज़ पे गौर कीजिएगा, ये एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। इससे क्या होगा कि एक आकर्षकता बढ़ेगी और आपके स्टेप्स सामने आएंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप है हिंदी मीडियम के लिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यहाँ तक हम फॉर्मूला लिख पाए। हम क्या करेंगे, आंसर शीट जो होगी कुछ चौड़ी होगी। देखिए ये ज्ञान का परीक्षा तो है नहीं, योग्यता का परीक्षा है, इसमें आपका लेखन प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। आप पेपर को 2 हाफ में ऐसे बांट दीजिए, या तो एक पतली सी रेखा खींच दीजिए या तो फिर कुछ इस प्रकार से सिंक्रोनाइज वे में रिप्रेजेंटेशन कीजिए कि आपको रेखा खींचने की ज़रूरत ना हो। देखिए पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर चूंकि का साइन दिया था इसलिए का साइन दिया और वैल्यू पुट किया। और आपको क्या चीज़ अवॉइड करना है, आपको यहाँ पे कटिंग नहीं दिखाना है, कट करके नहीं दिखाना है कि ये उत्तर कैसे आया है, आप यहाँ पे कटिंग अवॉइड कीजिएगा। और ये स्टेप के बाद देखिए ये चौथा स्टेप हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लाइन्स खींची है ये रिप्रेजेंटेशन के लिए। और ये 5वें स्टेप पे आपका आंसर आ जाता है और क्वेश्चन में जो आपको 3 लाइन मिलेगी जिसको हमने 2 भागों में 2 कॉलम में बांट लिया था, जो 6 लाइन जो बन जाती है 5 लाइन में अपना उत्तर लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखिएगा कि यहाँ पे आप ऐसे रिप्रेजेंट करें, गिवन पे आप लिखिएगा जो भी चीज़ें गिवन हो एज़ पर गिवन, और जो चीज़ें गिवन है वो आप लिखिए, उसके बाद कॉस्ट प्राइस लिखे, प्रॉफिट लिखे, उसके बाद फार्मूला दिए आपने ना, ये फार्मूला बहुत उपयोगी है, इसके बाद फार्मूला का वैल्यू पुट किया और अंत में आपको उत्तर मिल जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न को अगर आप रिप्रेजेंट कीजिएगा तो बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे और पहली बात है कि हमने यहाँ से सीखा क्या है ये देख लीजिए। हमने ये सीखा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ गिवन है वो लिखना है और रिप्रेजेंटेशन वे रखना है, सिंक्रोनाइजेशन रखना है, ऐसे आप स्टेप्स भी दे सकते हैं 1-2-3 करके, जो
बच्चे स्टेप वन स्टेप टू लिखते हैं उस चीज़ों को अवॉइड करके हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे और उस प्रश्न में देखेंगे कि उसको कैसे हल करें और कैसे बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करें। हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे और उसके हल करने की अच्छी विधि हम देखेंगे और जो हमने बोर्ड में बनाया है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था कि एक संख्या अपने 15% से 17 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी एक संख्या होगी जो अपने 15% से कुल मिला के 17 अधिक है। सबसे पहली बात, ऐसे प्रश्नों पे जहाँ पे प्रतिशत का उपयोग है और संख्या की बात की गई है, आमतौर पे हम कक्षा 10 से ये देखते आ रहे हैं कि हम संख्या को एक्स लेते थे, संख्या को x लेते थे, हम चाहें तो उसे y भी ले सकते हैं क्योंकि हम अब मान रहे हैं, जो चीज़ें हम मान रहे हैं तो कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे संख्या को 100x माना है, 100x माना है, ठीक है। तो इसलिए माना है मैंने ये 100x ताकि जब आप इसका 15% लें तो आपको कहीं पे कटिंग ना करना पड़े। अगर देखिए 100x का हम अपने जो है सेकेंड स्टेप पर आते हैं, मान लीजिए ये हमारा पहला स्टेप है, इसके बाद जब हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं जो प्रश्नानुसार है, जो प्रश्न में था कि जो नंबर है उसका 15% से वो 17 अधिक है, अपने नंबर से वो 15% से 17 अधिक है, मतलब नंबर का 100 नंबर 100x का 15% क्या होगा, 15x होगा। वही चीज़ अगर हम x ले लेते तो हमें यहाँ कटिंग करना पड़ता, या कटिंग नहीं भी करना पड़ता तो हमें ये मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिलता। तो यहाँ से आप ये बातें सीखिए कि आप कभी भी नंबर मानिए तो 100x मानिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। अब देखिए 100x हमने माना है, उसका 15% 15x होता है और वो 17 अधिक है ना। तो इस तरीके से इक्वेशन आपने यहाँ पे सेट कर लिया। अब उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे सिमिलर चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा जो है राइटिंग में इंग्लिश वर्ड आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको समीकरण बनाना हमेशा बहुत ज़रूरी है, जब भी जो चीज़ें आप मानिएगा वहाँ पे समीकरण दीजिए, क्योंकि अंत में आपको वहीं तक पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि जो माना है आपको वही तो उत्तर निकालना होगा। अभी आप देखिएगा कि सिंक्रोनाइज वे में हम यहाँ तक पहुँचे, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ये 3 स्टेप हो गया, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम 6 स्टेप से 6 स्टेप से हमें आंसर देना है। तो देखिए अब इस तरफ आते हैं, है ना, सेकंड कॉलम पे आते हैं, ये थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप पे हो गया ये हमारा, और हम उत्तर की ओर हम बढ़ चुके हैं। यहाँ से हमें क्या हुआ है कि वैल्यू, अब हमें कोई कटिंग नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली 85x इज इक्वल टू 17 आ गया है, एक्स की वैल्यू 1/5 आ गई है। अब ये समीकरण और ये समीकरण का अगर हम उपयोग कर लेंगे तो हम 100/5 यानी कि 20 उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करना है और एक अच्छा सा उत्तर वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। इस आंसर के बाद हम अगले प्रश्न में आएंगे और उसको रिप्रेजेंट करने की एक अच्छी टेक्निक देखेंगे। यहाँ से आपने कुछ बातें सीखी है, क्या सीखी है? पहली बात यह है कि x की जगह आप 100x मानिएगा, और दूसरी बात यह है कि कटिंग को अवॉइड कीजिएगा और समीकरणों का उपयोग कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था कि दो संख्याओं का योग 5500 है, यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या के 14% के बराबर है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले दो प्रश्नों से हमने जो सीखा है वही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज़ों पे गौर कीजिएगा। जब पहली संख्या पूछी जाती है तो हमें एक्स की जगह पे 100x मानना है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो प्रश्न है ये 4 मार्क्स का प्रश्न है, और 4 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, आपके पास 6 लाइंस होगी और 2 कॉलम में डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ कुल मिला के 12 लाइंस हो जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर 6 लाइन यहाँ उपयोग करते हैं तो आपको सेकंड साइड में भी 6 लाइन आपको उपयोग करने मिल जाएगा। जो हमने सीखा है पहली संख्या हम 100x मान के चलते हैं, मैंने सिर्फ हिंदी में बनाया है, इंग्लिश में आप समझ चुके होंगे। पहली संख्या 100x मान के चलते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मान लीजिए दो संख्याओं का योग अगर 5500 है, पहली संख्या 100x है तो दूसरी संख्या 5500, 5500 माइनस 100x हो जाएगी। इनको जो हमें अंक निकालना होता है उनको समीकरण का उपयोग करके यहाँ पे नोट आउट कर दीजिए। उसके बाद प्रश्न अनुसार क्या है, कंडीशन क्या दिया गया था, कंडीशन ये दिया गया था कि जो पहली संख्या है उसका 8% दूसरी संख्या के 14% के बराबर होगा। यहाँ तक हम पहुँच चुके होंगे, ये हमारा मान लीजिए कि पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। इसके बाद देखिए 100x का
8% आपको निकालना है, 100x का 10% 10x होता है, उसी तरीके से 8% 8x हो जाएगा। आपको कोई कटिंग नहीं करना। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, यहाँ 14% निकालना था और ये दोनों अंकों का निकालना पड़ेगा। अगर आप इसका 5500 का 14% निकालिएगा तो 14% का जो बटे में 100 होगा, प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, प्रतिशत अपने आप में 1/100 होता है। तो 100 कट जाएगा और 14×55 आपको यहाँ पे नोट करके लिखना होगा, जो कुल मिला के 770 रहेगा। उसी प्रकार से 100x का अगर 14% निकालेगा तो 14x हो जाएगा। यहाँ तक आप पहुँच चुके होंगे, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो ये कुल मिला के 22x हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जो है कुल मिला के आपके पास 35 आ रही है, जो एक्स की वैल्यू निकल चुकी है, जो एक्स हम यहाँ पे 100x लिए थे, यहाँ अगर हम पुट कर देंगे तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा। समीकरण 1, 2 और 3 के उपयोग से हम सिंक्रोनाइज वे में उस तरफ अच्छे से आप लिखिएगा तो आपको उत्तर के रूप में क्या मिल जाएगा, पहली संख्या 3500 और दूसरी संख्या 2000 मिल जाएगी, और ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है और दो कॉलम का उपयोग करके सही तरीके से इस प्रकार से उत्तर देना। अब हम इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा FTR में जो हमारे हमने कुछ उत्तर FTR में कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें हम बहुत तुरंत उत्तर दे पाते थे। अगर आपके पास ये कला है कि आप तुरंत उत्तर दे पाए और आपको उत्तर पता हो और उत्तर की ओर बढ़ रहे हो, तो और भी अच्छा होगा, ताकि आपको कहीं भी कोई मिस्टेक होने की संभावनाएँ ना हो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये था, ये एट मार्क्स का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम देखेंगे। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के प्रश्न है, इनको सॉल्व करने का जो शॉर्ट टेक्निक होगा, जो हमारे मोबाइल कोर्स पे है ना, अगर इसकी जानकारी आप रखते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा कि आपको उत्तर पहले पता हो और आप उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हो। और अगर आप FTR में भी वीडियो देखेंगे तो आपको इसके वीडियोज़ मिल जाएंगे अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो तो। चलिए, मैं एक शॉर्ट ट्रिक से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हम उत्तर तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते, उसके बाद मैं इसको आपको समझाऊँगा। देखिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी वर्णन होगा तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समय इम्पॉर्टेंट होगा और इनका अंतर इम्पॉर्टेंट होगा और दर इम्पॉर्टेंट होगा। 10% वार्षिक है और समय 2 वर्ष है, तो आप मूलधन मान के चलिए। मूलधन आपको कितना मानना है, मूलधन आपको 10%, यानी कि अगर हम 10% का अगर भिन्न रूप देखें तो 1/10 होता है, और समय जो है 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर मान लीजिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है। हमने मान लिया कि 100 रुपये मूलधन है, आप देख पा रहे होंगे 100 रुपये मूलधन है, और 100 रुपये मूलधन पे 2% का दो वर्ष का CI और SI का डिफरेंस हमें निकालना है। 100 रुपये में 10% अगर पहले वर्ष के लिए हम निकालेंगे तो ये कुल मिला के 10 रुपये होगा, और दूसरे वर्ष के लिए जब हम CI निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये मूलधन पे तो 10% निकालने पे 10 रुपये होगा, उसके साथ साथ जो पुराना ब्याज होता है उस पे भी ब्याज लगेगा, मतलब इस 10 रुपये पे भी ब्याज लगेगा। तो कुल मिला के ये 10 रुपये में 10% जब हम लगाएंगे तो 1 रुपये होता है। ये जो राशि होती है ये मूलधन पे ब्याज की होती है, और ये राशि जो होती है वो ब्याज पे ब्याज की होती है। मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो राशि है ये तो हमें साधारण ब्याज निकालने पे भी ये राशि प्राप्त हो जाएगी। आप 10-10% निकालिएगा 100 रुपये में, तो 20 रुपये साधारण ब्याज भी हो जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में वो 20 रुपये तो होगा ही होगा, लेकिन ये 1 रुपये एक्स्ट्रा भी होगा जो कि पुराने ब्याज पे होगा। और ये 1 रुपये जो इस प्रश्न में दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, वो 400 के बराबर है, वो 1 रुपये 400 के बराबर है। अगर 1 रुपये 400 के बराबर है और हमारे प्रश्न में 400 दिया है, तो आप ये 400 को गुणा यहाँ भी कर दीजिए, तो यहाँ कर दीजिएगा तो आपको उत्तर 40,000 इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से भी मिल जाएगा। और ये ट्रिक अगर आपके पास है, जो हमारे FTR वीडियोस में भी था और मोबाइल कोर्स में भी है, तो आपको उत्तर पता है, आपको उत्तर की ओर अब बढ़ना है। हमने क्या किया, हमने दिए गए जो भी दिया गया गिवन था उसको हमने यहाँ तक लिख लिया। अब प्रश्न के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार कहिए, हम आगे बढ़ते गए, है ना। ये प्रश्न के अनुसार जब बढ़े तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में सर्वप्रथम
जो फॉर्मूला होता है उसमें मिश्र धन निकालने की विधि बताई जाती है यहाँ तक, और उसके बाद जब मिश्र धन से मूलधन घटाएंगे तब जाके ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है यहाँ तक, और उसके बाद साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर प्रतिशत गुणे समय। अब फॉर्मूला जब हम पुट करते हैं और आगे इस प्रकार से बढ़ेंगे तो हम मूलधन को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे मूलधन कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू इसके लिए माइनस वन और इसके लिए माइनस करके ये वैल्यू यहाँ लिख दिया, और ये बराबर है किसके, ये बराबर है, ये अंतर बराबर है 400 रुपये के लिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो अंत में जाके मूलधन की वैल्यू हमें 40,000 मिल जाएगी उत्तर के रूप में। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, हमें जो इनिशियलाइजेशन है सबसे पहले अगर हमें हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है तो हमें उत्तर पता कर लेना है और उसकी ओर आगे बढ़ना है एक बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ। इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्न में आएंगे। आखिरी प्रश्न था जो श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर था, उनके बताए गए गणित, उनके दिए गए गणित के योगदान के ऊपर चर्चा करना था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डिपेंड करता है कि आप जो उत्तर है उसमें आप उनकी निजी जिंदगी, उनके जन्म जन्म स्थान का वर्णन ना करके आप उनके योगदानों को लिखिए, और योगदान को लिखने के साथ साथ योगदानों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी कीजिए। मैं इंग्लिश में मैंने यहाँ पे बताया है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है मैथमेटिक्स के लिए। ये तीन पॉइंट मैंने बताए हैं और इसके अलावा भी मैं बताऊंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको सिंगल पॉइंट यूज करना है, सिंगल पॉइंट में लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि गोल्ड बैक कंसेप्ट, इसमें क्या था, उन्होंने ये बताया था कि एवरी इवन इंटीजर, कोई भी इवन इंटीजर जो ग्रेटर देन 2 था, वो दो प्राइम संख्या, दो अभाज्य संख्या के रूप में भी बताया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने 4 लिया और 4 एक इवन इंटीजर है 4, उसको मैं 2+2 के रूप में भी बता सकता हूँ। उसी प्रकार से अगर मैं 5 ले लूँ तो 2+3, ये उन्होंने गोल्ड बैक कंजेक्टर के थ्रू बताया। अगला जो उन्होंने थ्योरम दिया, द फर्मैट यूलर प्राइम नंबर थ्योरम, उसमें उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया है कि कोई प्राइम नंबर जो 4n+1 के फॉर्म में हो, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे 13 ले लिया, यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये 13 बन जाता है। और इसको मैंने ये बताया कि जिस प्रकार से उन्होंने थ्योरम बताया था कि वो दो स्क्वायर के सम के रूप में बताया जा सकता है, उसी प्रकार से 13 को हम 2 के स्क्वायर उसके साथ 3 के स्क्वायर के योग के साथ भी हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जो तीसरी बात बताई है, जो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रामानुजन नंबर के नाम से ये बात जानी जाती है, इसमें ये बहुत लोकप्रिय संख्या है, उन्होंने ये बताया है कि कुछ नेचुरल नंबर है जो दो क्यूब के सम, मतलब दो घन संख्या का जो योग होगा उसको दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 1729 है उसको हम 12 के क्यूब और 1 के क्यूब के योग के साथ साथ 10 के क्यूब और 9 के क्यूब के योग के साथ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने ये तीन बातें बताई है और भी बहुत सी बातें बताई है, मैं अभी बताता हूँ आपको। अब अगला उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो भी हम देखते हैं। तीन कॉन्ट्रीब्यूशन में चौथे कॉन्ट्रीब्यूशन पे हम आते हैं। उन्होंने यूलर्स कॉन्स्टेंट का एक थ्योरी दिया था, उसमें उन्होंने एक सीरीज बताई थी जो 1/n सीरीज बताई थी और 15 डेसिमल प्लेसेस तक उसको कैलकुलेट करके बताया था, ये भी बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद उन्होंने नंबर सिस्टम में बहुत से थ्योरम्स दिए हैं और उस नंबर सिस्टम में जो भी थ्योरम्स दिए हैं, जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा, उन्होंने ये बताया है कि एनी लार्जर नंबर कैन बी, कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 4 या 4 से कम अभाज्य संख्या के रूप में भी निरूपित की जा सकती है, बताई जा सकती है। उसके बाद क्या है, उन्होंने एक फंक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, मॉक थीटा फंक्शन, और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ मेडिकल फील्ड में कैंसर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये संभावित प्रश्नों में से एक है, अगर ये प्रश्न आता है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कीजिएगा। और मैं हिंदी में भी आपको ये बताना चाहूँगा और मैं मान के चल रहा हूँ कि इंग्लिश में आप समझ चुके होंगे और इस आंसर को आपने कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया होगा। श्रीनिवास रामानुजन के योगदान को हम अभी हिंदी में देखते हैं। देखिए, इनके 6 योगदानों को मैंने लिखा है। सबसे पहले गोल्ड बैग का अनुमान, गोल्ड बैग के अनुमान के द्वारा उन्होंने ये बताया था कि 2 से बड़ी सम संख्याओं को, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने 4 लिया था, 2 से बड़ी सम संख्याओं को 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने 4 लिया, सम संख्या भी होता है 4, और उसको अगर हम 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में निरूपित करने जाते हैं तो 2 धन 2 के रूप में हम यहाँ पर बता सकते हैं।
उसी प्रकार से अगर पांच लेते तो दो धन तीन के रूप में भी हम बता सकते थे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मेट यूलर अभाज्य संख्या प्रमेय। इसमें उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, ये प्रमेय दिया है कि जो अभाज्य संख्या 4n+1 के पैटर्न पे बैठती है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे n की वैल्यू अगर 3 ली तो ये कुल मिला के 13 हो जाता है, और 13 हो जाता है, और 13 को मैं दो वर्गों के योग के रूप में निरूपित कर पाता हूँ कि नहीं ये देखते हैं। 13 को मैं 2 का वर्ग और उसके साथ उसके योग में 3 का वर्ग अगर लूँ तो 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 और 4 का सम संख्या 13 होता है। तो आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्मेट यूलर अभाज्य संख्या प्रमेय भी समझ चुके होंगे। इसके बाद बहुत ही लोकप्रिय रामानुजन संख्या पे आते हैं, जो कि सबसे, उसमें भी सबसे लोकप्रिय संख्या जो है 17-29 की, उस पर आते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको रामानुजन ने ये इसमें ये बताया था कि कुछ संख्याएँ ऐसी भी हैं जिसके जिसको दो प्रकार से घन के योग के रूप में हम बता सकते हैं। जैसे कि 1729 को अगर हम 12 के घन मतलब 12 की क्यूब और उसके साथ 1 के घन मतलब 1 के क्यूब के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसी तरीके से 1729 को हम 10 के क्यूब मतलब कि 1000 और उसका योग 9 के क्यूब के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी संख्या है, उसमें 1729 जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके बाद यूलर स्थिरांक जो होता है, उसमें उन्होंने एक गहन शोध किया है जिसमें 1/n की सीरीज पे शोध किया है, और उस पर उन्होंने 15 स्थानों तक गणना की है, कैलकुलेशन किया है। उसके बाद उन्होंने संख्या पद्धति पर भी बहुत से कार्य किए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य जो था वो ये है कि उन्होंने ये बताया है कि कोई भी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 4 अभाज्य संख्या या फिर उससे भी कम के रूप में निरूपित की जा सकती है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसको 4 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ये इन पांचों योगदान के बाद, जो कि उनका एक योगदान गणित के साथ साथ कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में भी है, चिकित्सकालय योगदान भी है, वो ये है कि उन्होंने एक फंक्शन बताया है, एक फलन बताया है, जिसमें उन्होंने कैंसर जैसे बहुत ही भयंकर रोग को समझने का एक फलन दिया था। तो ये मॉक थीटा फंक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 6 उपयोगिता के बाद मैं समझ पाऊंगा कि आप इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर पेश करेंगे। और मैंने डिस्कशन कम्युनिटी में बहुत से उत्तर देखे जो बहुत बेहतरीन थे, लेकिन मैंने अभी उनका नाम नहीं लिया है जिन्होंने बहुत अच्छे उत्तर दिए। मुझे और भी उत्तरों का इंतज़ार रहेगा इस वीडियो के बाद। मैं अगले वीडियो में उनका नाम लूँगा, और मैं अगले वीडियो में आज का जो टॉपिक था वो प्रतिशत, लाभ हानि और ब्याज के ऊपर था। अगले वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा और कुछ ज़्यादा प्रश्नों के साथ आऊँगा, और आपको सही, सटीक और बेहतरीन उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।